तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों मैं लक्ष्मण चंदा फिर से आ गया हूँ कास्ट डैडी की नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, क्या 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 अगर नहीं पता तो अब पता लग जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो, टाटा अपनी बहुत सारी फेसलिफ्ट कार्स के ऊपर वर्क कर रहा है, जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी इंडियन कार मार्केट के अंदर। सबसे पहली गाड़ी जो आने वाली है वो है टाटा नेक्सॉन, जिसकी फुल डिटेल, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ, पूरी डिटेल ए टू जेड हमारे पास आ चुकी है। वाओ, ये गाड़ी आपको कम्प्लीटली चेंज देखने को मिलेगी। इसके ओवरऑल लुक्स आपको चेंज देखने को मिलेंगे। इसमें जो इंटीरियर में फीचर्स वगैरह है वो आपको बिल्कुल न्यू देखने को मिलेंगे। इंटीरियर कम्प्लीटली आपको न्यू देखने को मिलेगा, सब कुछ न्यू ही देखने को मिलेगा। बट जो सिमिलर चीज रहेगी वो रहेगा स्ट्रक्चर, साइड स्ट्रक्चर और बैक स्ट्रक्चर आपको कहीं ना कहीं सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसकी पहले वाली टाटा नेक्सॉन से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। फ्रंट में आपको वही एग्रेसिव सा लुक देखने को मिलेगा विद ऑल न्यू DRLs एंड ऑल न्यू LED हेडलैम्प्स। जो मेजर चेंज रहने वाला है वो इसके DRLs में रहने वाला है, क्योंकि न्यूज से पता लगा है कहीं ना कहीं इस गाड़ी में आपको सिक्वेंशियल टर्निंग इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, और जो फ्रंट के इसके DRLs हैं वही एक्ट करेंगे एज अ टर्निंग इंडिकेटर्स, जो कि आपको सिक्वेंशियल में देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज काफी ज्यादा कूल लगने वाली है। और जो इसका फ्रंट का एरिया है ग्रिल वाला, वहां पे आपको इसकी न्यू लोगो की प्लेसिंग देखने को मिलेगी, जिसके अंदर लाइटिंग में भी पॉसिबल है एड ऑन की जा सकती है, कि जैसे ही आप इंजन स्टार्ट वगैरह करें या चाबी उसमें लगाएं या फिर जो भी है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन से प्रेस करें इग्निशन वगैरह, तो उसका जो फ्रंट लोगो है उसमें आपको कहीं ना कहीं LED की लाइटिंग देखने को मिलेगी, जो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी। अगर ऐसा कर दिया टाटा ने, ओए होए होए, स्वाद ही आ जाएगा। बाकी साइड में आए तो साइड में ये गाड़ी कहीं ना कहीं आपको वैसी ही देखने को मिलेगी। टाटा नेक्सॉन जो अभी चल रही है इंडियन कार मार्केट में, साइड प्रोफाइल इसका वही कैरी फॉरवर्ड किया गया है, बट एक मेजर डिफरेंस जो है वो आप में से कहीं लोगों ने पहचान लिया होगा, क्योंकि मैं अपनी पहली वाली वीडियोस में भी बोल चुका हूँ ये चीज बहुत बार, कि इस गाड़ी में आपको न्यू 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कि कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ आने वाले हैं। कहीं से भी, कोई सी भी गाड़ी से नहीं उठाए गए, ना टाटा पंच, ना टाटा नेक्सॉन पुराने वाली जो है, ना ही टाटा हैरियर वगैरह, मतलब बिल्कुल आपको कंप्लीट न्यू डिजाइन देखने को मिलेगा टाटा के जो अलॉय व्हील्स है इस गाड़ी में। उसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि इस गाड़ी में भी आपको काफी सारे वेरिएंट्स, ट्रिम्स वगैरह देखने को मिले, जैसे कि टाटा की आदत है यार, वो डार्क एडिशन, काजीरंगा एडिशन, ऐसे ऐसे एडिशन अपने निकालते रहते हैं। तो मे बी पॉसिबल है कि इस गाड़ी में भी आपको ये सारे एडिशन देखने को मिले बहुत जल्दी। फिलहाल रेयर की तरफ चलते हैं। रेयर का भी डिजाइन कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड किया गया है पुरानी वाली जो अभी करंटली चल रही है टाटा नेक्सॉन से, और वही मेजर चेंज आपको देखने को मिलता है, जैसा कि फ्रंट में आपको देखने को मिलता है कि सिक्वेंशियल इंडिकेटर दिए गए हैं, वैसे ही आपको रेयर में भी सिक्वेंशियल इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो इसके पीछे के टेल लैंप्स हैं वो आपको कंप्लीटली न्यू देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात रही एक्सटीरियर की, अब मैंने कहा था कि इंटीरियर की भी डिटेल्स आ गई है, तो इंटीरियर के अंदर चलते हैं। तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा इसका कम्प्लीटली न्यू इंटीरियर, जिसमें आपको कहीं ना कहीं पर्पल कलर का टचअप वगैरह देखने को मिल जाएगा। पर्पल कलर मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, बाकी आगे चल के ही पता लगेगा कि क्या कलर कॉम्बिनेशन इंटीरियर में इन्होंने रखा हुआ है, बट जहां देखने में आ रहा है कि ये जो सीट्स है वो आपको पर्पल कलर में देखने को मिलेगी। डैशबोर्ड पे आपको कहीं ना कहीं पर्पल कलर देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सॉफ्ट टच सा फील हो रहा है। उसके अलावा इसमें 12 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आने वाला है फ्लोटिंग स्क्रीन के साथ, एंड 12 इंचेस का ही आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको पैडल शिफ्टर बिल्कुल न्यू देखने को मिलेंगे, स्टेयरिंग व्हील आ जाएगा बिल्कुल न्यू, 4-scope स्टेयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। और अगर आप नोटिस करेंगे तो जो इसका स्टेयरिंग व्हील है उसमें आपको कहीं ना कहीं टाटा का लोगो डिजिटल देखने को मिलेगा। अब
ये आपके लिए सस्पेंस है, सारी चीजें मैं बता दूंगा तो टाटा वाले भी आके यार पेल देंगे कि तू हमारी सारी चीजें बता रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खैर कोई नहीं, हम अपनी ऑडियंस के लिए उनसे लड़ लेंगे कि अपनी ऑडियंस है, उन्हें भी पता होना चाहिए क्या चल रहा है इंडियन कार मार्केट के अंदर और क्या नहीं, कौन सी चीजें आने से पहले ही चेंज हो जानी चाहिए, कौन सी चीजें बाद में चेंज होनी चाहिए, सब कुछ पता चलना चाहिए यार अपनी ऑडियंस को। खैर आपके लिए तो जान हाजिर है। इंजन की बात करें तो इंजन आपको पहले से बढ़िया और पहले से बड़ा इंजन आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको डीसीटी ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो गाड़ी आती है वो एएमटी ट्रांसमिशन के साथ आती है, बट बहुत जल्द अब इस गाड़ी में आपको डीसीटी ट्रांसमिशन में भी देखने को मिलेगी। और जो इसका एएमटी ट्रांसमिशन है वो कहीं ना कहीं में भी पॉसिबल है डीजल में आपको डीसीटी देखने को मिले और पेट्रोल में आपको एएमटी ट्रांसमिशन देखने को मिले। देखो टाटा कुछ भी कर सकता है। और उसके अलावा इसमें इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा 125 पीएस की मैक्स पावर एंड 225 एनएम का टॉर्क। यार रियली इट्स सरप्राइजिंग। और जो इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन है वो प्रोड्यूस करेगा वही सेम 115 पीएस की मैक्स पावर एंड 160 एनएम का टॉर्क। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगी। अगर ये गाड़ी एएमटी में आती है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं 5 स्पीड या 6 स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा सूत्रों से पता चला है कि ये गाड़ी को बहुत जल्दी ईवी में भी लॉन्च किया जाएगा एज एन फेसलिफ्ट, जिसमें आपको पहले से काफी ज्यादा बढ़िया और बड़ी मोटर देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा बड़ा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा और रेंज में भी आपको काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत बढ़िया चीज, ये गाड़ी आपको सीएनजी में भी देखने को मिलेगी। सीएनजी में भी इस गाड़ी की टेस्टिंग चल रही है, मतलब कि टाटा यार तहलका मचाने वाला है। बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट है यार। अगर तुम चाहते हो कि मैं सबकी डिटेल दूं एक ही वीडियो में कि कौन कौन सी गाड़ियां आने वाली है टाटा की, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चाहते हो कि मैं उसकी अलग से भी डिटेल बताऊं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आप तुम्हारे हाथ में, जैसे तुम बोलोगे कि अगर आप सभी को एक ही वीडियो में सारी डिटेल चाहिए थोड़ी थोड़ी करके, या फिर एक वीडियो में एक ही गाड़ी की डिटेल चाहिए पूरी कंप्लीट, या फिर दोनों ही चाहिए, वो भी बता देना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो अगली लाइन आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।